क्लास 11 के चैप्टर 11 में कॉनिक सेक्शंस देख रहे हैं। इसके पहले हमने पैराबोला, इलिप्स, इन सब के बारे में बात कर ली। अब हम देख रहे हैं यहां पर हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या है? ये वो सारे पॉइंट्स है, वो सेट है सारे पॉइंट्स का, और जिसका डिफरेंस, जैसे हमने पैराबोला में देखा था, एडिशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स। इसी तरीके से इलिप्स में हमने बात की थी कि F1 और F2, इनसे किसी भी पॉइंट ले लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, तो ये जो सम है इसका और इसका, ऐसा। और पैराबोला में हमने कहा था कि एक लाइन और एक पॉइंट, फोकस और इस लाइन, डायरेक्ट्रिक्स कहा था इसको। कोई भी पॉइंट इस पैराबोला में होगा, इसका डिस्टेंस जो होगा, इनका डिस्टेंस जो होगा वो बराबर होगा। तो इसी तरीके से हाइपरबोला की बात हो रही है, इसमें डिफरेंस की बात हो रही है। दो फिक्स पॉइंट से इसका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि आप देखिए कि आप इसमें ये एक लाइन है, इसको हम कॉन्जुगेट एक्सिस फिलहाल बोल रहे हैं, इसको हम सेंटर बोल रहे हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो ये जो कॉन्जुगेट एक्सिस है और ये आपका जो वर्टेक्स, ये आपका एक डायग्राम है जो हम हाइपरबोला बोलेंगे, लेकिन ये कैसे बन रहा है देखिएगा। ये भी हमारा, हम बोल रहे हैं कि ये अभी आपका हाइपरबोला है। तो इसमें अगर मैं एक पॉइंट लूं यहां पर P1, अगर इसको पहले फोकस से मिलाऊं और इसको दूसरे फोकस से मिलाऊं, स्ट्रीडी लाइन बनाना है एकदम यहां पर, तो इसका जो PF2 और PF1 का डिफरेंस है, वही डिफरेंस P2F2 और P2F1 का होगा। डिफरेंस की बात हो रही है यहां पर। यही अगर कोई थर्ड पॉइंट ले लीजिए P3, तो P3F1 और का डिफरेंस P3F2 से, तो ये तीनों बराबर होंगे। तो ये होगी ट्रांसवर्स एक्सिस, ये होगी आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस, ये होगी सेंटर, ये होगा वर्टेक्स, और ये हो गया F1, F2 आपके फोकस हो गया। तो ये जो पॉइंट बन रहे हैं ना, जिसका डिफरेंस जो है कांस्टेंट है इस फोकस और इस फोकस से, इसे हम कह रहे हैं हाइपरबोला, राइट। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये इलिप्स का काउंटर पार्ट है। हमेशा इसको देख के ऐसा लगता है कि ये कुछ पैराबोला से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पैराबोला से रिलेटेड नहीं है, इसका रिलेशन जो चीज है वो आपके इलिप्स से है। आप देखिएगा इलिप्स की जो इक्वेशन थी वो थी आपकी x² / a² + y² / b² = 1, ये थी ना, इसकी किस तरीके से आएगी देखिएगा। अच्छा, इसमें जो डिफरेंस की बात हो रही है ना, ये जो डिफरेंस है, इसका मतलब है कि जो बड़ा डिस्टेंस होगा उस वो छोटा उससे हटाया जाएगा, यानी कि बड़े डिफरेंस, बड़े वाले से छोटे का डिफरेंस, ये है इसमें। और जो टू फिक्स्ड पॉइंट्स इसमें बात हो रही है, ये वाली जो F1 F2, ये इन्हें हम फोकस कह रहे हैं, जैसे हमने इलिप्स में भी देखा था, ओके। और जो मिड पॉइंट है इसका, यहां से जो हम फोकस को जोड़ रहे हैं F1 से लेकर F2 तक, उसका जो मिड पॉइंट है, इसे हम कह रहे हैं कि ये सेंटर है हाइपरबोला का। और जो लाइन जा रही है इस फोकस से, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। और जो लाइन परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रही है, ये वाली, इसको हम कह रहे हैं कि कॉन्जुगेट एक्सिस है, इसे हम कह रहे हैं कॉन्जुगेट एक्सिस है। और जहां पर ये आपका हाइपरबोला इंटरसेक्ट कर रहा है इस ट्रांसफर एक्सिस से, ये जो पॉइंट है, इसको हम वर्टेक्स बोल रहे हैं, क्योंकि दो है इसलिए वर्टिसेस बोल रहे हैं, ये आपकी वर्टिसेस हो गई। अब क्या करेंगे, ये आपका यहां से यहां तक 2c है, फोकस का आप डिस्टेंस अभी तक सीख लिया आपने, यहां से डिस्टेंस 2c है, ये वाला जो डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक ये सी है, यहां से यहां तक ऐसे सी है। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, जो दो फोकस F1 और F2 के बीच में जो होता है डिस्टेंस, वो आपका 2c ही है, जैसे आपके पहले हमने सीखा है। तो 2c इसका डिस्टेंस हो गया। और इसी तरीके से जो वर्टिसेस है इनके बीच में, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, वो आपको वर्टिसेस के बीच में डिस्टेंस हो गया 2a, ये हो गया 2a। और हम यहां पर एक और क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, जो कि है b। वो b कैसे बनेगी, b² = c² - a² यानी कि b = √c² - a² और एक इसमें 2b भी है, 2b, क्योंकि a b जिस तरीके से हमने अपने इलिप्स में देखा था उसी तरीके से यहां पर 2b, ये जो है लेंथ आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस की है, कॉन्जुगेट एक्सिस की। तो अगर हमको कॉन्स्टेंट निकालना है, देखिएगा आप किस तरीके से, तो आप सीधा डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि यही है आप कह रहे हैं, दो F1 और F2 से किसी पॉइंट का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट डिस्टेंस है क्या, वो है
P1F2 माइनस P1F1 ये, ओके। और इसी तरीके से ये आप जो डेफिनेशन है, अगर आप यहां पर देखें ये पॉइंट अगर मान के चले, तो इस तरीके से डिस्टेंस लेंगे, इसके बारे में चिंता मत करिए, क्योंकि आपको केवल डिफरेंस लेना है, डिफरेंस जो होगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा। अब हम आते हैं एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी इलिप्स की थी, एसेंट्रिसिटी आपके हाइपरबोला की भी दिख रही है आपको, तो इसी तरीके से इलिप्स की तरह जो रेशियो अगर आप ई देखें सी बाय ए, इसको हम कह रहे हैं कि एसेंट्रिसिटी है हाइपरबोला की, किसकी हाइपरबोला की, और चूंकि यहां पर सी ए से बड़ा है या बराबर हो सकता है, एसेंट्रिसिटी कभी भी एक से कम नहीं होगी, एक से कम नहीं होगी, इज नेवर लेस देन वन। तो अब हम क्या करते हैं कि इससे सीधा हमको सी मिल जाएगा ए इंटू ई, राइट। और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हाइपरबोला की, अब वो कैसे बनेगी, जो इक्वेशन है हाइपरबोला की वो होगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। अब ये डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए हम इसको ओरिजिन पे मान रहे हैं, ये है ओरिजिन पे, राइट, ये देखिए ओरिजिन पे, अब ये ओरिजिन पे तो है, और अगर ये एक्स एक्सिस है, इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी हो रही है, अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। इसी तरीके से यहां पर अगर ये इस तरीके से है, इसकी जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, तो क्या बनेगा, वाई एक्सिस पे आपका वाई स्क्वायर बाय स्क्वायर, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, ए स्क्वायर के ऊपर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर के ऊपर एक्स स्क्वायर है, जाएगा वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। अब आपका सवाल जरूर उठता है और ये आ भी सकता है कि भाई इसको हम डिराइव कैसे करेंगे, है ना। अब इसकी पॉइंट जरा देख लीजिए, क्योंकि पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए ये आपका जीरो जीरो है, यहां से यहां तक आपका ए है, यहां से यहां तक माइनस है, यानी कि ये माइनस है डिस्टेंस है, तो ये माइनस है जीरो, ये आपका ए जीरो। इसी तरीके से आपका ये सी जीरो, ये माइनस सी जीरो, ये दो पॉइंट हो गए, है ना, इस तरीके से आएगा आपका। यहां पर भी ऐसी है, यहां से ये ए, ये माइनस ए, और ये पूरा सी, और ये माइनस सी, बस ये जो माइनस माइनस हो रहा है ये पूरी तरीके से आपके क्वाड्रेंट के हिसाब से हो रहा है। अब चलिए इसको डिराइव करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल जो डिस्टेंस है ना उसका डिफरेंस, फोकस है डिस्टेंस का, डिफरेंस है उसके बस टू ए कर देंगे। तो देखिए ये एफ वन और एफ टू, ये आप फोकस लीजिए, वो आपका मिड पॉइंट है, किस लाइन का, एफ वन और एफ टू का, यहां से पूरी लाइन का ये मिड पॉइंट है, ये ओ ओरिजिन है, और जो लाइन O से जा रही है F2, इसको हम पॉजिटिव X एक्सिस ले रहे हैं अभी, है? और जो F1 पे जा रही है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव X एक्सिस होगी, क्योंकि इस साइड डायरेक्शन में है ना, तो नेगेटिव डायरेक्शन में हो गई। और इसी तरीके से जो लाइन O से जा रही है ऊपर की तरफ, यानी जो इसके परपेंडिकुलर जा रही है, उसे हम कह रहे हैं वो वाई एक्सिस है। तो आपका अब देखिए इससे क्लियर हो गया कि ये सी जीरो है, ये माइनस सी जीरो है। अब चलिए कोई एक पॉइंट मान लीजिए P, यहां पर भी मान सकते हैं, यहां पर भी मान सकते हैं, दोनों में ही एक ही चीज आएगी। यहां पर आपका एक पॉइंट है P, ठीक है, P और x y का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। अब ये कोई भी पॉइंट मान लीजिए जिसका डिफरेंस जो होगा वो 2a होगा, जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है 2a, यानी कि PF, अच्छा बड़े को छोटे को बड़े से घटाएंगे, इसका मतलब पहले आपको PF1 लेना पड़ेगा ये वाला, और यहां पर आप लेंगे PF2, PF1 माइनस PF2, ये 2a हो गया। अब आपको क्या है, ये देखिए ये xy है, ये माइनस सी जीरो है, इसका डिस्टेंस ले लीजिए, ये xy है, ये सी जीरो, इसका डिस्टेंस ले लीजिए, दोनों का डिस्टेंस का सब्ट्रैक्शन, दोनों का डिस्टेंस का जो सब्ट्रैक्शन है वो 2a है। अब ये इसके बाद इसको स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड को, थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिए, मतलब आपको थोड़ा सा इधर उधर इसको अरेंज करना है, और फाइनली आपका एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। लेकिन इस केस में जो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इस जगह पे, आप जानते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, राइट, दिस इज क्लियर। तो इसकी जगह आप बी स्क्वायर रख दीजिए, बेसिकली इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपकी इक्वेशन। ओके, अब आप बोलते हैं कि नहीं हम तो पीछे बैकग्राउंड से शुरू करेंगे, तो अगर हम इसको इस कन्वर्स इसका देखना चाहें तो ये हमारे पास हमारी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अगर पी एक्स वाई सेटिस्फाई कर रहा है इस पॉइंट को, मैं ये कह रहा हूं कि हमने क्या किया कि इसको लिया और यहां से शुरू करके हम वहां तक ले जाते हैं, किधर तक, यहां तक ले जाते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि चलिए अब हम इसको मानते हैं कि चलिए ये बैक से शुरू करते हैं, तो जो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये वाली जो चीज है उसको हम वाई स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं, हमने केवल रीअरेंज किया है इस इक्वेशन को, इसको रीअरेंज कर दिया।
अब देखिए जो PF1 है वो ये है। अब PF1 को हम जब ये देखेंगे इस तरीके से, तो y स्क्वायर की जगह हम डाल देते हैं ये, राइट, ये हमने डाला, आया a प्लस सी बाय ए एक्स। इसी तरीके से PF2 a माइनस ए बाय सी एक्स, इन दोनों को जरा सब्ट्रैक्ट करिए स्क्वायर इसको, आपको क्या मिलेगा जो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा ये ध्यान रखिएगा साहब, जो हाइपरबोला है उसमें सी ए से बड़ा है, और क्योंकि p जो राइट में है x इक्वल टू a के, ये कहां पर है देखिए इसको बताता हूं, p कहां पर है आपका, ये x इक्वल टू a के इधर है ना, x इक्वल टू a के इधर पे है, तो x a से बड़ा है, यानी कि x में क्या है c a by x, ये वाली चीज a से बड़ी है, इसका मतलब ये नेगेटिव, ये अपने आप नेगेटिव बन जाएगा, और PF2 आपका आएगा c by a x minus a। अब दोनों का जरा डिफरेंस निकाल लीजिए, आपको 2 ही मिलेगा, कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप इसको x इक्वल टू माइनस ए पे भी लेना चाहें तो भी यही बनेगा, राइट, ये उसका भी यही आएगा, लेकिन रीजनिंग सेम रहेगी, राइट, लेफ्ट में अगर जाएंगे तो रीजनिंग सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बैक से भी चलते हैं तो भी हमारे पास ये इक्वेशन आती है, राइट, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। तो ये हमारे पास आ गया, हमने ये प्रूव किया, क्योंकि ओरिजिन हमने 0-0 लिया है, अभी तक जो हमने प्रूविंग की है वो हर समय हमने 0-0 लेके चले, तो ये 0-0 आपका हो गया ट्रांसफर एक्सिस, ये चीज। और जो हाइपरबोला है जिसमें a इक्वल टू b हो जाता है, अगर a और b बराबर है तो हम इसको बोलते हैं इक्विलेटरल हाइपरबोला। क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल हाइपरबोला। तो यहां तक हो गया। अब जो इक्वेशन हाइपरबोला की, इसको हम देख के, जो हमारा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अगर हम वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर लाएं, दाएं हाथ पे लाएं, तो ये 1+ हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो एक्स, ये चीज होगी हमेशा एक से बड़ी होगी, क्योंकि ये 1 के साथ एडिशन है, स्क्वायर या ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, इसका मतलब ये टर्म कुछ ना कुछ 1 में ऐड करेगा, तो इसका मतलब हमेशा 1, ये चीज 1 से हमेशा बड़ी होगी, एक्स बाय ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके लिए मतलब है मॉड ऑफ एक्स बाय ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मॉड एक्स बाय एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कुछ भी, एक्स माइनस भी तो हो सकता है, ए माइनस भी तो हो सकता है, तो इसीलिए एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो कोई भी पॉइंट कर्व में वो लाई करेगा एक्स ए और एक्स माइनस ए के बीच में, राइट, यानी कि कोई कॉन्जुगेट एक्सिस पे आपको कोई रियल इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से हम एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 निकाला था, इसी तरीके से वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 निकाल सकते हैं। ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं, ये दोनों इक्वेशन, इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये हाइपरबोला की, राइट। अच्छा, ये जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा, अब इसमें कुछ चीजें हैं ऑब्जर्वेशन, वो आप देखिए, क्योंकि अब जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना तो हम इस ऑब्जर्वेशन को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। पहली चीज तो ये है कि हाइपरबोला सिमेट्रिक है दोनों साइड, है ना, आपने देखा दोनों सिमेट्रिक है, चाहे आप एक्स वाई ले, माइनस एक्स वाई ले, एक्स माइनस वाई ले, या ए माइनस एक्स माइनस वाई ले, ये सिमेट्रिक है, चारों आपके क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक दिखेगा। या जैसे आपने देखा था कि इलिप्स भी आपका सिमेट्रिक था, जो फोकस है वो हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस पे होंगी, जो फोकाई है आर ऑलवेज ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस, राइट, मतलब ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, क्योंकि इसको हम कंजुगेट बोल रहे हैं, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है आपकी। जैसे एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो दिस इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला, इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस है किसके अलॉन्ग, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, लेंथ इसकी 6 है, जबकि इसकी कितनी होगी, इसकी होगी ट्रांसवर्स एक्सिस वाई के अलॉन्ग, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो गया ना ये, और इसकी लेंथ होगी 10। लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा इसका, लेटेस्ट रेक्टम, अब इलिप्स में आपने क्या देखा था, इलिप्स में था 2b² बाय, ये था ना, तो लेटेस्ट रेक्टम हाइपरबोला का एक लाइन सेगमेंट ऐसा है जो परपेंडिकुलर है आपके ट्रांसवर्स एक्सिस को, जैसे हमने पहले सीखा था फोकस से पास हो रहा है, उसके जो एंड पॉइंट है वो हाइपरबोला में लाई करेंगे। जैसे मैं हाइपरबोला का एक पार्ट लूं तो ये फोकस से पास होगा और इस तरीके से इसके पॉइंट जो होंगे वो आपके हाइपरबोला में होंगे, तो ये आपका लेटेस्ट रेक्टम हो गया। और जैसे इलिप्स में है वैसे इसका लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ भी 2b² बाय। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आपको कोऑर्डिनेट निकालना है फोकस का और वर्टिसेस का, एसेंट्रिसिटी जो लेंथ, एसेंट्रिसिटी निकालनी है और लेंथ निकालना है लेटेस्ट रेक्टम का हाइपरबोला। जैसे ये है एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1,
इसको सीधा आप कंपेयर कर दीजिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन से, सीधा आपको ए स्क्वायर मिलेगा 9, बी स्क्वायर मिलेगा 16, तो ए 3 आ गया, बी 4 आ गया। अब आप जानते हैं सी स्क्वायर क्या होता है, सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको ये 5 मिल जाएगा सी यहां से। अब सी मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया, आप कोऑर्डिनेट फोकस के बिल्कुल उसी तरीके से निकाल लें, ये है ना आपके पास सी है, सी आ गया प्लस माइनस सी कमा 0, वर्टिसेस आपको क्या मिलेगी प्लस माइनस ए 0। इसी तरीके से आपके पास एसेंट्रिसिटी आ जाएगी, सी बाय ए होती है, और लेटेस्ट रेक्टम आ गया 2 बी स्क्वायर बाय ए, जब ए बी सी आ गया तो ये तीनों हम आराम से निकाल सकते हैं। अब अगला जो सवाल है उस सवाल में है वाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें आप क्या करेंगे पहले इसको एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के हिसाब से करेंगे, क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से कंपेयर करिए, 16 ए स्क्वायर हो जाएगा 1 बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए आपको 4 मिलेगा, बी आपको 1 मिलेगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, जो आपका अंडर रूट 17 मिल रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से जब ये आपके पास सी आ गया और ए, सी और ए से हमारा क्या बनता है, सी से हम निकालते हैं फोकस 0, अच्छा यहाँ पर 0 यहाँ आएगा, वैल्यू यहाँ आएगी, क्योंकि ये वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो गया, फोकस होगा 0 कॉमा प्लस माइनस अंडर रूट 17, और यहां पर हो गया 0 प्लस माइनस 4, एसेंट्रिसिटी होगी सी बाय ए, ये लेटेस्ट रेक्टम होगा 2 बी स्क्वायर बाय ए। अगला एग्जांपल आपका है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद फोकस, ये फोकस है, अब यहां पर हमने एक जो अभी अभी देखा, इसका मतलब ये है कि वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये इसका इक्वेशन हो रही है, वर्टिसेस भी दी हुई है, तो ये आपके पास फोकस मतलब ये है कि आपको फोकस, और इसका मतलब ये होता है जस्ट वर्टिसेस का मतलब, फोकस का मतलब सी आपको मिल रहा है, वर्टिसेस का मतलब आपको ए मिल रहा है, तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमारे पास ए अंडर रूट 11 बाय 2 हो गया, ऐसे सी हमारे पास ये 3 हो गया, ये आपका ए होता है, ये सी होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से आप ये निकाल लीजिए, है ना, ये आपका आ गया बी स्क्वायर आ गया, तो ए बी सी सब मिल गया, वाई स्क्वायर बाय दिस वन एक्स स्क्वायर बाय दिस वन, यानी वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इससे इक्वेट कर दीजिए, आपकी क्वेश्चन आ जाएगी। अच्छा ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है अभी, इसको जरा सॉल्व करेंगे, ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, इस तरीके से लिखना है। अब अगला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला वेयर फोकाई, फोकाई ये है लेंथ लेटेस्ट रेक्टम का 36 है, फोकस आपको मिला हुआ है 0 प्लस माइनस 12, इसका मतलब ये सी है, सीधी बात है कि सी इक्वल टू 12 मिल गया, लेटेस्ट रेक्टम है 2 बी स्क्वायर बाय ए, ये आपको क्लियर दिया हुआ है 36। अब सी है आपके पास, इससे क्या मिलेगा, इससे आप क्योंकि 2 बी स्क्वायर बाय ए आपके पास 36 है, बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, चलिए इसको यहां ले आ रही है, और 2 को 36 से कैंसिल कर दीजिए, बी स्क्वायर आपका 18 ए हो गया। अब सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी आप जानते हैं, क्या करिए सी स्क्वायर और बी स्क्वायर यहां पर रख दीजिए, ए के टर्म्स में आ जाएगा, ए को सॉल्व कर लीजिए, एक बार माइनस 24 आएगा और 6 आएगा, ए नेगेटिव नहीं हो सकता, ओके, इसीलिए ए आपका 6 लेंगे, अब ये 6 ले लीजिए, बी स्क्वायर आपके पास ये 18 था, ए यहां पर रख दीजिए 6 और आपका आ जाएगा 108, तो अल्टीमेटली क्या आया वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय ये 6 6 से 36, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको सॉल्व कर लीजिए, मतलब इसको थोड़ा प्रॉपर अरेंज कर दीजिए। तो ये हमने एक और पार्ट देखा आपके, इस बार हमने हाइपरबोला देखा, अभी आगे मिसलेनियस और समरी बाकी है। बहुत शुक्रिया।